أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیز ذکر حضرت بقية الله الاعظم ہے ہر چند کہ یہ ذکر ایام عزا میں ہو رہا ہے لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ شہداء کربلا اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا سوگوار تو ہمارا امامی ہے امام کی معرفت کے بغیر ہمارا کوئی عمل کوئی ارزش نہیں رکھتا نہ ہماری عزاداری ارزش رکھتی ہے نہ ہماری نماز ارزش رکھتی ہے کوئی بھی عمل اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تو اس عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پیغمبر پیش کی تھی جس میں حضور نے فرمایا ہے من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلية جو اس دنیا سے گزر جائے جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور میں نے وضاحت کی تھی کہ جاہلیت کچھ اور ہے جہالت کچھ اور ہے جاہل انسان قاصر کہلاتا ہے لیکن جو جاہلیت پر مرے وہ قاصر نہیں مقصر ہوتا ہے یعنی وہ اپنے جہل کو دور کر سکتا ہے مگر دور نہیں کرتا مقصر کا پیمانہ آپ لوگوں نے جو بھی بنا رکھا ہو آپ حضرات نے مقصر کا جو بھی پیمانہ بنا رکھا ہو مگر شریعت کے میزان میں شریعت کی ترازو میں دین کی ترازو میں عقل و فطرت کی ترازو میں منطق و حکمت کی ترازو میں قرآن اور رسالت کی ترازو میں امامت اور ولایت کی ترازو میں مقصر صرف اسے کہتے ہیں جو معرفت حاصل کر سکتا ہو پھر بھی حاصل نہ کرے اللہ
कभी कभी ये होता है कि अल्फाज ज़बानों पर जारी होते हैं और हम अल्फाज के मानी से भी वाकिफ नहीं होते हैं। हम बोलते हैं मगर वाकिफ नहीं होते कि क्या बोल रहे हैं। ये कैफियत बहुत ख़तरनाक है, ये कैफियत मुनासिब नहीं है, इससे इंसान का अमल ज़ाया हो जाता है, इंसान की रियाजत बर्बाद हो जाती है, इंसान की खेती उजड़ जाती है। जो भी कलिमा ज़बान से निकले उसके मानी से आपको वाकिफ होना चाहिए। जो भी लफ्ज़ आपकी ज़बान से निकले उसकी मानवियत से आपको वाकिफ होना चाहिए। अल्फाज का भी वज़न होता है, अल्फाज का भी असर होता है। ये और बात है कि अल्फाज में असर आपकी नीयत से पैदा होता है। आपके अल्फाज में असर आपकी नीयत से पैदा होता है। रोज़मर्रा का तजर्बा है, आप तजर्बा करके देखिए। आप कोई लफ्ज़ कहते हैं, एक जुमला कहते हैं, किसी से आप वो जुमला मिजाहन कहते हैं, किसी दूसरे शख्स से वो जुमला आप तनज़न कहते हैं, किसी तीसरे से वो जुमला आप बेतकल्लुफाना दोस्ती के तहत कहते हैं, किसी चौथे से वही जुमला आप संजीदगी से कहते हैं। जुमला एक होता है लेकिन नीयत और इरादा दिल में जो होता है वो जुमले के वज़न को बदलता चला जाता है। तासीर बदलती चली जाती है और जब वज़न बदल जाए, तासीर बदल जाए, असरात जो सामने आते हैं वो बदल जाते हैं, समरात जो हासिल होते हैं वो बदल जाते हैं। तो अल्फाज जब आप ज़बान से निकालें तो आपको उन अल्फाज के मानी और उसके मफहूम पर पूरी कुदरत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कलिमा आप इस तरह कह दें कि जिसके मानी से आप ख़ुद वाकिफ ना हो, जिसके असरात और आसार से आप ख़ुद वाकिफ ना हो। आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह के कलिमात इस्तेमाल करना कि आप जिसको चाहें कासिर कह दें, जिसको चाहें मुकस्सिर कह दें, जिसको चाहें काफिर कह दें, ये एक मर्द मुस्लिम को एक मर्द मोमिन को जेब नहीं देता। हम मोमिन बनाने के लिए मसूल हैं न कि काफिर बनाने के लिए। हम मोमिन और मुस्लिम बनाने के लिए मामूर हैं न कि काफिर बनाने के लिए। दीन का दायरा बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, घटाना हमारा काम नहीं है। जो भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे उसको आप दायरे इस्लाम में शामिल रखें, आप दायरे इस्लाम में शामिल रखें। आपको हुक्म दिया गया है, अगर उसने दिल से नहीं कहा है तो दिल की खबर आपको नहीं है। जिसे दिल की खबर है वो निकाल देगा दायरे इस्लाम से। हम इसीलिए हमेशा इत्मीनान से रहते हैं, चाहे वो शुरू के लोग हों, बीच के लोग हों, आखिर के लोग। अगर किसी ने कलिमा दिल से नहीं कहा है तो हम दिल की खबर तो रखते नहीं हैं। इतना मालूम है जो दिलों की खबर रखने वाला है
वो आदिल है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हक की जन्नत उन काफिरों को दे दे खुदा जिन्होंने जबान से कलिमा कहा दिल से ना कहा। ऐसा नहीं होगा। वो हमारा खुदा आदिल है, वो आलिम है, वो आदिल है, वो कादिर है। वो ऐसा आदिल नहीं है जो कादिर ना हो, और वो ऐसा कादिर नहीं है जो आदिल ना हो। दुनिया में किसी के पास कुदरत हो और अदालत ना हो तो जुल्म करता है। दुनिया में किसी के पास अदालत हो और कुदरत न हो तो खुद मजलूम बन जाता है। मगर वो आदिल भी है, कादिर भी है, आलिम भी है। हम जाहिर पर अमल करने के लिए मामूर हुए हैं, हमें हुक्म दिया गया है हम जाहिर पर अमल करेंगे। हमारे सामने कोई कलिमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उसे मुसलमान करार देंगे। हमें हक नहीं है कि हम उसे काफिर कहें। अगर उसने दिल से नहीं कहा है तो उसका मुहाकिमा वो करेगा जो दिलों का हाल जानने वाला है। मुहाकिमे का हक हमें नहीं है। खुदा का काम अपने हाथों में न लें वरना दुनिया कभी समर नहीं पाएगी। किसी को यह हक नहीं है, किसी को यह हक नहीं है। ना आप किसी को कासिर करार दें, ना मुकसिर करार दें, ना काफिर करार दें। नहीं, दूसरे के हाल अहवाल पर नज़र डालने से पहले अपने हाल अहवाल पर बाखुद बाश आगा, बाखुद बाश, अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें। एक बात आज सीख कर जाएं मजलिस से, अपनी फिक्र करें। कोई दूसरा आपकी फिक्र नहीं करेगा, कोई दूसरा आपके लिए फिक्रमंद नहीं हो सकता। आप दूसरों के लिए क्यों फिक्रमंद हैं? अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने नफ्स को, अपनी रूह को, अपनी जात को हलाकत से बचाएं। कुरान मजीद की आवाज़ है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को, अपने नफूस को और अपने अहले खाना को आतश जहन्नम से बचाओ। अपने आप को बचाओ। बचाने का तरीका क्या है? अल्लाह के रास्ते पर चलना। बचाने का तरीका क्या है? सिरात हक पर आगे बढ़ना। सिरात क्या है? सिरात राह खुदा है। सिरात कोई स्टील का पुल नहीं है, कोई लोहे का ब्रिज नहीं है, कोई लकड़ी का ब्रिज नहीं है। सिरात राह खुदा का नाम है। अल्लाह का रास्ता ही सिरात है। यकीनन वो बाल से ज्यादा बारीक है, वो तलवार की धार से ज्यादा तेज है। ये ताबीर इसलिए की गई है कि अल्लाह का रास्ता बिल्कुल सीधा है, ज़रा सा भी उसमें इन्हराफ हुआ इधर भी बातिल है उधर भी बातिल है, इधर भी बातिल है उधर भी बातिल है। अल्लाह का रास्ता बिल्कुल सीधा है। नहीं मालूम है, सबसे पहले हमें अपनी मारिफत को दूर करना, अपनी मारिफत को बढ़ाना चाहिए, अपनी जहालत को दूर करना चाहिए। यही तरीका जीने का है, यही तरीका पनपने का है, यही तरीका दुनिया भी संवारने का है, आखिरत भी संवारने का है। मारिफत हासिल करें। कल मैंने अर्ज किया था इंसान सिर्फ दो कामों के लिए पैदा हुआ है, ज्यादा परेशान ना हो। इंसान घर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान कारें खरीदने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान सियासत करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान खजाने जमा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान जंग व जदल के लिए नहीं पैदा हुआ है। इंसान दो कामों के लिए पैदा हुआ है।
एक मारिफत एक इश्क। खास चीजें दो ही हैं आपके पास, एक दिल है एक दिमाग, बाकी सारा जिस्म तो दिल और दिमाग को संभालने के लिए है। दो ही चीजें हैं, दिल है और दिमाग, बाकी पूरा जो हैकल वजूद है, ये जो पूरा हैकल बशरी है, ये जो पूरा जिस्म है, ये दो चीजों को संभालने के लिए है, दिल और दिमाग। दिमाग है मारिफत हासिल करने के लिए, दिल है इश्क करने के लिए। अब बाकी दुनिया के तमाम काम हैं, मगर जितना मारिफत का तकाजा हो, जितना इश्क का मुतालिबा हो। ये नहीं कहता घर ना बनाओ, ये नहीं कहता खजाना जमा ना करो, ये नहीं कहता बिजनेस ना करो, ये नहीं कहता सियासत में दखल ना दो, नहीं, सब कुछ करो मगर उतना जितना मारिफत का तकाजा हो, जितना इश्क का मुतालिबा हो। मारिफत किससे, मारिफत किसकी और इश्क किससे, दोनों चीजें मरबूत हैं खुदा से। मारिफत खुदा की, इश्क खुदा से। मारिफत खुदा की, इश्क खुदा से। जितना मारिफत का तकाजा हो, जितना इश्क का मुतालिबा हो, उतना दामन जिंदगी का फैला हो, उतना दामन जिंदगी का फैलाओ। जीने का सलीका यही है। खुदा से इश्क करें कैसे, मुमकिन नहीं है जब तक कि खुदा के नाम से वाकिफ ना हो। खुदा की मारिफत कैसे हासिल होगी, नामों को जानकर। खुदा से इश्क कैसे होगा, उसके निशानों को देखकर। बात नामों निशान तक पहुंच गई ना। कल मैंने अर्ज किया था कि इश्क मुमकिन नहीं है जब तक कि मारिफत ना हो। मारिफत के लिए नाम और निशान दरकार है। अल्लाह के नाम, अल्लाह के निशानात, अस्माउल्लाह आयातुल्लाह। अस्माउल्लाह अल्लाह के नाम, आयातुल्लाह अल्लाह की निशानियां, अल्लाह के निशानात। इन दो चीजों की जस्तजू रहनी चाहिए इंसान को, और फितरी तौर पर इंसान इस तरह पैदा किया गया है कि उसे इसकी जस्तजू रहती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे नाम खुदा की जस्तजू ना हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे निशानात खुदा की जस्तजू ना हो। दुनिया का कोई भी इंसान आज तक मुझे तो नहीं मिला कि जो नाम खुदा का आरजूमंद ना हो। सिर्फ यही नहीं कि मोमिनीन मुस्लिमीन, सिर्फ यही नहीं कि मुर्तागीन, सिर्फ यही नहीं कि रियाजत करने वाले अहले मारिफत अरबाब सैर सलूक, सिर्फ यही लोग नाम खुदा के मुतलाशी हों, मुतजस्सिस हों, इसमें आज़म की तलाश में हों, ऐसा नहीं। दुनिया में मैंने बहुत से मुल्कों का सफ़र किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, और हर मुल्क की जवान और नौजवान नस्ल से मैंने मुलाकात की है। लाइब्रेरियों में चला जाता हूँ, बैठा रहता हूँ तन्हा, और वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मेरे इस हयूले को देख कर कभी मेरे करीब आते हैं, कभी मुझसे भागते हैं। जो मेरे करीब आता है मैं उससे भी बात करता हूँ, जो मुझसे भागता है मैं उससे भी बात करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं भागने वाली चीज़ नहीं हूँ। ब्रिटिश लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ भी गया
मैंने सबसे अहम काम मेरा ये होता है कि लाइब्रेरी में जाऊं। लाइब्रेरी में वो नस्ल आती है जो इल्म से जुड़ी हुई होती है। किसी मुल्क के मुस्तकबिल को अगर देखना हो तो ये देखो कि लाइब्रेरी से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। जब मैं मुल्क की बात कर रहा हूं तो आप वाह वाह कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं आपके कितने बच्चे लाइब्रेरियों से जुड़े हुए हैं। आप अंजुमनें बनाते हैं, हर अंजुमन को एक इमाम बारगाह के साथ एक लाइब्रेरी भी बनानी चाहिए। आपके लिए कोई दूसरा आकर लाइब्रेरी नहीं बनाएगा। यूरोप में तो निज़ाम है हुकूमत का, हर सिटी काउंसिल की एक लाइब्रेरी होती है, हर काउंटी की एक लाइब्रेरी होती है, हर शायर की एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, गोया हर महल्ले की एक लाइब्रेरी होती है। हमारे यहाँ भी हुकूमतों के दस्तूर में और प्लानों में होगा, मगर अमल तो नहीं हो रहा है। दोनों मुल्कों का एक ही हाल है, दोनों मुल्कों का एक ही हाल है, अमल नहीं हो रहा है। कोई आपके लिए कुतुबखाना नहीं बनाएगा, आप अपने लिए खुद कुतुबखाना बनाएं। वही नस्लें सआदतमंद होती हैं जो किताबों के जेरे साया परवान चढ़ती हैं। ठीक है, ये दौर इंटरनेट का है, ये दौर जो है वो कंप्यूटर्स का है, उसके बावजूद किताबों से जुड़े रहें, बासवाद नस्ल रहे। जहां सवाद हर्फ न होगा वहां बयाज मानी कहां से पैदा होगा। जहां सवाद हर्फ न होगा वहां बयाज मानी कहां से पैदा होगा। आपने मुझे बुलाया है तो जो कह रहा हूं, मैंने लाहौर में भी कहा था, लोग आते हैं चले जाते हैं और जाते वक्त कहते हैं कहा सुना माफ कर देना भाई। मैं कहता हूं कहा सुना याद रखिएगा। बुलाया किस लिए? कुछ कहने के लिए बुलाया है, कह रहा हूं उसे याद रखिएगा। हर अंजुमन को एक कुतुबखाना बनाना चाहिए, किताब, और जब किताब होगी तो किताब पढ़ाने वाले का इंतज़ाम भी होना चाहिए। सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, न कल काफ़ी थी न आज काफ़ी है न कल काफ़ी होगी। सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, किसी के लिए काफ़ी नहीं है तो आपके लिए कैसे काफ़ी हो जाएगी। बड़े बड़ों के लिए किताब काफ़ी ना हुई तो आपके लिए क्या काफ़ी हो जाएगी। किताब काफ़ी नहीं है, किताब का एहतमाम करें और साथ में किताब पढ़ाने वाले उलमा का इंतज़ाम करें। बेसवादों को उलमा ना कहें, बासवाद और ज़िम्मेदार उलमा की तौहीन ना करें। मिल्लत इस्लामिया शुरू से लेकर आज तक तफरीके का शिकार सिर्फ इसलिए रही है कि जो वाकयान आलिम था उससे वाबस्ता ना हो सकी। कौन था आलिम इस उम्मत का? इस उम्मत का क्या, कायनात का सबसे बड़ा आलिम बस एक है। खुदा की बात नहीं कर रहा हूं, खुदा ऐन इल्म है। हम आलिम उसे मजाजन कहते हैं, वो ऐन इल्म है। खुदा ऐन इल्म है, इल्म सिफत जाती है, इल्म सिफत जाती है परवरदिगार की। खुदा ऐन इल्म है, सबसे बड़ा आलिम इस कायनात का कोई और नहीं है सिवाय अली इब्न अबी तालिब। सिर्फ एक है आलिम। आप ये कहेंगे कि फिर इन्होंने मुबालगा किया,
ये तो फ़िरका ही मुबालिगा करने वालों का है, ऐसा नहीं है। हमारा फ़िरका तो आजिज़ी करने वालों का फ़िरका है। हम तो बूतराबी हमारी सिफत है, गुलू नहीं है। खाक सारी हमारी सिफत होनी चाहिए, तवाज़ो हमारी सिफत होनी चाहिए, इनकसार हमारी सिफत होनी चाहिए, और बिहम्दिल्लाह है, बिहम्दिल्लाह है। इस कायनात का सबसे बड़ा आलिम हज़रत अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कहे कि फिर आपने पैगंबर को छोड़ दिया, जनाब वाला एक लफ्ज़ और है, सबसे बड़ा आलिम अली है, सबसे बड़ा मुअल्लिम मुहम्मद है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ذات حق صمدی عین علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عین علم ہے، سر چشمہ علم ہے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معلم کی ذات، کائنات کا سب سے بڑا معلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سب سے بڑے معلم نے جسے پڑھا لکھا کر عالم بنایا، وہ سب سے بڑا عالم علی ابن مرتضی، علی ابن ابی طالب، علی مرتضی کی ذات ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ خیال رہے کہ علی دنیا میں آنے کے بعد کسی کے شاگرد نہیں ہوئے مگر مصطفیٰ کے۔ مصطفیٰ کا شاگرد ہونا ان کے لیے عار نہیں تھا، شرف تھا، عار نہیں تھا، شرف تھا۔ لیکن اور اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ مسئلہ دیر تک ساتھ دے گا، دور تک ساتھ دے گا، بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ میں تو جملے سے جملے مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتا چلا جاتا ہوں، بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے لوگ بہت سے اوصاف پیغمبر کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ مثلا پیغمبر لکھنا جانتے تھے یا نہیں، پیغمبر پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اتنا معلوم ہے علی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اور اتنا معلوم ہے کہ علی نے سوائے محمد کے اور کسی سے نہ کچھ سیکھا، نہ کسی کے سامنے زانوے رکھتا ہے۔ اب اگر پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے لکھنا سکھایا؟ اگر پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے پڑھنا سکھایا؟ کائنات کا معلم اعظم مصطفیٰ کی ذات ہے، کائنات کا عالم سب سے بڑا علی مرتضی۔